अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बैक एंड अप वीडियो। दिस वेलकम टू द, आप देख रहे हैं टेक्निकल बियर चैनल। तो गाइस फाइनली आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनफिनिक्स नोट सीरीज के एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। स्मार्टफोन का नाम है इनफिनिक्स नोट 12। इनफिनिक्स कंपनी स्मार्टफोन को मार्केट में कब लॉन्च करेगी, क्या प्राइस होने वाली है, क्या नए फीचर दिए जाएंगे, क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा या नहीं, क्या आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए या नहीं, कंप्लीट डिटेल के साथ इस स्मार्टफोन से रिलेटेड तमाम तरह चीजें क्लियर करने वाला हूँ। और हाँ गाइस, ये वीडियो कंसेप्ट बेस्ड होने वाली है, कंप्लीट डिटेल को जानने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कर लेना है। और ऐसे मजीद लेटेस्ट अपकमिंग स्मार्टफोन की वीडियोज को वॉच करने के लिए अपने भाई के चैनल टेक्निकल बेस्ट को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए मैं जैसी वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइस नहीं करते, वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे इनफिनिक्स नोट 12 की स्पेसिफिकेशन की। सेकंड नंबर पर डिस्कस होगी स्मार्टफोन की प्राइस और लॉन्च डेट, और लास्ट में मैं अपना फाइनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप से। स्मार्टफोन की बैक साइड पे ट्रिपल कैमरास का सेटअप दिया जाएगा। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया जाएगा। मेन कैमरे की मदद से आप 4K की वीडियो को शूट कर सकेंगे। स्मार्टफोन की फ्रंट साइड पर 5 सेल्फी शूटर कैमरा दिया जाएगा, जो कि 16 मेगापिक्सल का होगा, और फ्रंट कैमरे की मदद से आप 1080 की वीडियो को शूट कर सकेंगे 30fps की स्पीड पर। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की पावर बैकअप की। स्मार्टफोन में दी जाएगी 5000mAh की बड़ी बैटरी, साथ आपको 45W का फास्ट चार्जर इस स्मार्टफोन के बोस के साथ दिया जाएगा, जो स्मार्टफोन को 65 मिनट में 0-100 फुल चार्ज करेगा। और ये स्मार्टफोन गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत ज्यादा सॉलिड होने वाला है, क्योंकि स्मार्टफोन में लगाई जाएगी MediaTek Helio G85 की 4G की चिपसेट। आपको भी हैवी गेम हाई फ्रेम रेट पर स्मार्टफोन पर आसानी से रन कर सकेंगे। गेमिंग वाइज आपको स्मार्टफोन पर किसी किस्म की डिफिकल्टीज का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये स्मार्टफोन सिंगल वेरिएंट में पाकिस्तान में लॉन्च होगा, जो कि 6GB रैम 128GB रोम के साथ आएगा। सो गाइस, अब बात करेंगे स्मार्टफोन के डिस्प्ले फीचर की। स्मार्टफोन का डिस्प्ले साइज 6.95 इंच का है, साथ आपको 85.5% के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दी जाएगी, एक्सपेक्ट रेशियो 20:9 की है, रेजोल्यूशन 1080 की दी जाएगी। स्मार्टफोन के डिस्प्ले में जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है वो एमोलेड की है 16 मिलियन कलर्स के साथ। पिक्सल डेंसिटी 400 की दी जाएगी। स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर कोई हाई रिफ्रेश रेट नहीं दिया गया, एटलीस्ट स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर 90Hz का जो हाई रिफ्रेश रेट है वो जरूर होना चाहिए था। प्रोटेक्शन भी आपको स्मार्टफोन के डिस्प्ले पर रन करती हुई नजर नहीं आएगी। एनीवे, आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज कंसीडर कर सकते हैं। सो गाइस, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना है कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को कैसा लगा है, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्मार्टफोन को डिस्प्ले वाइज, गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज और कैमरा वाइज कंसीडर कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगा, आपको जरूर स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोर नेम बेल फोन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।